अल्टरनेट करके भी कम से कम एक आसन तो कर ही सकते हैं। ये पेट के लिए और पीठ के लिए दोनों के लिए अच्छा है। ऐसे 2-5 बार से लेकर के मैं तो यहाँ बच्चों को 100-100 बार कराता हूँ। बच्चों फास्ट करो, तो फास्ट करते हैं तो बच्चे 100-100 बार ऐसे कर लेते हैं, इससे पेट और पीठ दोनों अच्छे हो जाते हैं। ऐसे तो पेट पीठ 100-100 बार कर लेते हैं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, तेज चला करें, दौड़ने वालों की आंतों की एक्सरसाइज हो जाती है दौड़ने से, दौड़ने वालों का कभी पेट खराब नहीं हो सकता। तो ये भुजंगासन भी 25-50 बार से लेके 100 बार तक कर सकते हैं। फिर देखो पेट के लिए अंतिम कुछ अभ्यास बताते बताते 8-10 बातें पेट के लिए बता रहा था। पवन मुक्तासन, ये बहुत अच्छा आसन है पेट के लिए। तो क्या क्या करें, पहले सलाद ले, पहले फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाना आधा घंटे से पहले नहीं होना चाहिए, पूरा आधा घंटा धीरे धीरे चबा चबा के जो भी खा रहे हो लिक्विड जैसा हो जाए ऐसा खाएं। और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, बहुत गरिष्ठ भोजन ना ले, हो सके जितना भी कम से कम 50 से लेकर के 75% उसमें कच्चा या फल या सलाद इस तरह का या साग सब्जियाँ ऐसे होना चाहिए। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, 3 से 4 लीटर पानी पीना। पानी कम पीने से पेट के अंदर कचरा जमा हो जाता है, विविधा रोग जायंते प्राय सहमल संचय, पेट खराब तो दिल दिमाग पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने से, इंडाइजेशन होने से, आते कमजोर होने से, फिर न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जिसको आजकल मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि इसके अंदर तो ये डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की, आयरन की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसी होती है और अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं वो पेट में इकट्ठे हो जाते हैं। उत्तान पादासन 0.5 मिनट से लेके 1 मिनट तक करना है, तब लाभ होगा। कुछ लोग ऐसे बस 10 सेकंड किया, 5 सेकंड किया, फिर नीचे लिया, इससे बात नहीं बनेगी। अभी 0.5 मिनट तक उत्तान पादासन के बाद नौकासन भी मेरे साथ करना और 1-1 मिनट तक करना शुरू कर देना, आज से ही कॉन्स्टिपेशन ठीक। जरा कुछ गहरी बातें बता रहा हूँ, दोनों तरफ से उठाएंगे। और मैं कह रहा था 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी, और किसी के पेट में कीड़े जमा हो जाते, किसी के पेट में अलग अलग प्रकार के खतरनाक कीटाणु जमा हो जाते हैं, फिर कोई कीड़े की दवा खाता है, कोई अलग अलग बैक्टीरिया वायरस को मारने की दवा खाता है। ऐसे रोज कीजिए, मैं रोज योग कर रहा हूँ 40 सालों से, 0.5 से 1 मिनट ऐसे करना है, थकना नहीं है, जो है ऐसे रुकना है। हमारे बच्चे भी बड़े मजबूत है, करो बेटा ऐसे 0.5 से 1 मिनट तक करना है, फिर नीचे आना है। मीनाक्षी जी ने भी कर लिया है, मजबूत हो गई है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक थोड़ा सरल है, फिर कठिन करवाएंगे। सेतु बंधासन, इसको कंधरासन भी कहते हैं, श्वास बाहर छोड़ के ऊपर की ओर तान दिया, फिर पेट को अंदर खींच लिया, ऐसे खींच के रखेंगे। देखो पेट को खींचने से पाताल लोक में लग जाता है। किसी किसी का पेट है मेरे राम इतना मोटा होता है, देख करके दूसरों को भी खराब लगता है। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेते हैं ऐसे, ये बहुत जबरदस्त है। तो मैं कह रहा था जिनके भी शरीर में कोई भी डेफिशिएंसी है, ये जो अभ्यास आज बता रहे हैं करना, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स की कोई भी डेफिशिएंसी है, खून की हीमोग्लोबिन की कमी है, ये सब अभ्यास करना, श्वास बाहर छोड़ के। अब थोड़ा सा कठिन अभ्यास है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मीनाक्षी जी भी अब तो करने लगे, देश के लोग भी प्रैक्टिस करते करते उनमें भी परफेक्शन आ गया। श्वास बाहर छोड़ के पैरों को खींचेंगे, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, पैर के अंगूठे नासिका से लगा दिए, ऐसे 0.5 मिनट तक रोकना है। तो मैं कह रहा था रोज ये अभ्यास करना, कोई टॉक्सिन्स, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गंदगी पेट में नहीं रहेगी, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई वायरस। पेट के अंदर यद्यपि बहुत भयंकर एसिड होता है, लेकिन उसमें भी कुछ बैक्टीरिया वायरस पनप जाते हैं, अलग अलग प्रकृति के वायरस होते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे खींचा, खींच करके नासिका लगा के रखा, 0.5 से 1 मिनट करना। मैं इसलिए जोर दे करके इस बात को कह रहा हूँ, लोग करते तो है अभ्यास लेकिन थोड़ी देर करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये बात बनने वाली नहीं है। वैसे तो जैसे खेत में हल चलाते ना और सारी खरपतवार दूर हो जाती है, ऐसे ही पेट की खरपतवार दूर करने के लिए भी हलासन है। ऐसे उठा करके और ऐसे पीछे टिका दिया, ये
और ऐसे रुक गए एक मिनट तक। सारी खरपतवार दूर। स्वामी जी बहुत आड़ कबाड़ पेट में जमा रहता है गंदगी, सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स क्लियर हो जाते हैं। आज सब क्लियर हो जाएगा। मैंने स्वामी जी योगाभ्यास साल करते पार करते करके जी मैं एक बात बता रहा हूँ जी, मैंने कभी भी हुसैन भाई मीनाक्षी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, मेरे बहुत मित्र डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बोले स्वामी जी आप भी एक बार खा करके देखो। हम डॉक्टर लोग पूरी फैमिली हमारी 6 महीने में हम एक बार कीड़े की दवाई खाते हैं, तो बोले आप भी खा के देखो आपके पेट से भी कीड़े जरूर निकलेंगे। मैंने कहा ना तो मेरे पेट में कीड़े हैं, ना दिल में, ना दिमाग में। बोले नहीं खा के देखो आप। मैं सच कह रहा हूँ, मैं एलोपैथी की दवाई खाता नहीं हूँ, ऐसे मेरा कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है ना, क्यों जहर खाना। तो मैंने फिर भी कहने से खा लिया। बोले नहीं जी ये सेफ है एकदम। मैंने खूब खा के देखा उसको, अच्छी पूरी डोज खाई, एक कीड़ा नहीं निकला। अर्थात योग करने वाले के पेट में कीड़े भी नहीं होते। बहुत अच्छी बात। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, जो हेल्दी बैक्टीरिया हो तो रहेंगे पेट के अंदर, ये खराब बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। जो लोग बार बार पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, हमने भी बना रखा, हाथी का भी पेट साफ कर दे ऐसा ही सिद्ध होता है, लेकिन कब देते हैं? जब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तब, नहीं तो नहीं देते।